एक बात तो तय है कि अब यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से अब ईशान और सभी करीब आ रहे हैं, वहीं अब इन दोनों के बीच में फिर से एक बार दरार आएगी। जहां ऑडियंस इन दोनों का साथ में प्रोमो देखकर खुश हो रही है, वहीं इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। तो क्या है पूरी सच्चाई, चलिए हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां एक तरफ सभी और ईशान एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, सभी ईशान को प्यार करने लगी है, वहीं दूसरी तरफ अब यहां पर हन्नी ताई को होश आने वाला है। लेकिन हन्नी ताई उठते साथ ही क्या सभी को सारा सच बता देगी, वो सच जो आज तक ईशान नहीं बता पाया है, वो सच जो ईशान कई बार बताने की कोशिश तो कर चुका है लेकिन बताते बताते रुक जाता है। जी हाँ, आज अगर हन्नी हॉस्पिटल में है या फिर सभी के परिवार अब नहीं रहा, तो इसके पीछे ईशान खुद को जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि अगर वो उस दिन ना हटा होता तो फिर गोली उसके सीने पर आती और बाकी सब बच जाते। पर यहाँ हम आपको बता दें कि इन सारी चीज़ों को लेकर अब आज तक ये बातें बिल्कुल भी सभी को नहीं पता थी, लेकिन अब यहाँ पर सभी को इस बात का राज पता चलने वाला है। उसे पता चलने वाला है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि ईशान सर ही हैं, और ये सारी बातें हरनी उसे बताने वाली है। तो अब यहाँ जहाँ पर ऑडियंस इस बात का इंतज़ार कर रही है कि ईशान और सभी नज़दीक आए, वहीं अब ये बड़ा ट्विस्ट जो है आने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ईशान और सभी कभी करीब नहीं आ पाएंगे? हन्नी ताई ने साफ साफ बता दिया कि उस दिन क्या हुआ था। अभी तक सभी इन सारी चीज़ों से अनजान थी और ईशान भी इस बात को बताने की कोशिश तो कई बार कर चुका लेकिन वो बता ही नहीं पाया। लेकिन अब जब उसे ये सारी बातें हन्नी ताई से पता चलेंगी तो फिर यहाँ पर टूट जाएगी सभी, और उसे लगेगा कि ईशान ने क्या जानबूझकर इतनी बड़ी बातें उससे छिपाई। आप क्या कहेंगे इस बारे में, कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।